अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्टूडेंट ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों ने कैसे अपने व्यू मेल को रीसेट करना है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है कि व्यू मेल तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि आपका आईडी होता है @view.edu.pk होता है, उसका पासवर्ड रीसेट करना नहीं आता आप लोगों को। ठीक है, और उसके पासवर्ड का लिंक कहाँ पर जाता है ये भी आप लोगों को बताऊँगा, और साथ आप लोगों को आज ही बताऊँगा मैं कि हमने इन्विटेशंस प्रोजेक्ट के लिए कैसे सेंड करने हैं। ठीक है, कैसे रिसीव करने हैं, और लास्ट में इन्विटेशंस के बाद जो प्रोसेस है हम सुपरवाइजर से किस तरह से कॉन्टैक्ट करें कि हम स्टूडेंट्स के जो हमारे फेलोज हैं करीबी दोस्त हैं उनके सेम ग्रुप्स बने। तो वीडियो ये कंप्लीट पैकेज है, वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरह से व्यू मेल को रीसेट करते हैं। सबसे पहले LMS में जाना है, लॉगिन करना है। तो ये आप लोग देख रहे हैं LMS ओपन हो रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स का कल मुझे आ रहा था क्वेश्चन के सर LMS पे लोड है। ये स्टूडेंट्स लोड इसलिए है कि इनविटेशंस वगैरह हम लोग सेंड कर रहे हैं इसलिए लोड है। ठीक है, तो साथ में स्टूडेंट्स इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो प्रोसेस है कि आइदर मैं अपनी व्यू मेल को रीसेट कैसे करूं, उसका पासवर्ड रीसेट कैसे करूं। यहाँ पे मेल पे जाता हूँ मैं, तो ऑलरेडी मेरी व्यू मेल लॉगिन है आप लोग देख रहे हो, लेकिन मैं इसको साइन आउट करता हूँ और फिर लॉगिन करता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड रीसेट करने का भी तरीका बताता हूँ। मैंने अपने हर अकाउंट से साइन आउट कर दिया है। ठीक है, तो इस अकाउंट से भी साइन आउट हो जाएगा। और ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि व्यू मेल का जो पासवर्ड होता है अगर उसको रिसेट करते हैं वो कहाँ पे आता है, किस मेल पे आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता है। तो देखो मैं अब इसको लॉगिन करना चाहता हूँ यहाँ से, तो अब मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, व्यू मेल इस तरह से होती है, आपका id@view.edu.pk। फॉरगेट यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं, और मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फॉरगेट व्यू मेल पासवर्ड, ये डायरेक्ट लिंक है, आप ऐसे लिख लो, आप पे है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ से भी कर सकता हूँ, तो आप पे है, तो ये ओपन होगा। ठीक है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे फॉरगेट पे क्लिक कर लो, ठीक है, वो भी एक बात है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये लिंक ओपन होगा फॉरगेट पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे कहता है स्टूडेंट आईडी लिखो, लेट्स सपोज मेरा स्टूडेंट आईडी है ये, और मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे। ठीक है, तो और यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने LMS का पासवर्ड चेंज करना है या मेल का, दोनों का ही चेंज करना है, दोनों का चेंज हो जाएगा, अपनी मर्जी रख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास, मैं व्यू की प्रोफाइल में आया हूँ ऑब्वियसली, तो व्यू की प्रोफाइल में आप लोग देखोगे एक पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा आपका। ठीक है, जीमेल का जो एड्रेस होगा, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये सेंड कर करोगे क्लिक, तो इस आईडी पे, इस ईमेल पे आपकी रीसेट का लिंक आ जाएगा, जैसा कि मेरा ईमेल एड्रेस ये है। इसको लॉगिन करता हूँ मैं, तो पासवर्ड लगाता हूँ। इस पे रीसेट लिंक किस तरह का आएगा, तो ये पासवर्ड समटाइम जल्दी में रॉन्ग लग जाता है, इसको भी रीसेट कर सकते हो। कैसे रीसेट करना है तो आप लोगों को आइडिया है कि फॉरगेट पे क्लिक के आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ठीक है, या भी मेरे सेल फोन पे आ जाएगा, तो सेल फोन लाता हूँ मैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ।
सेल फोन पे एक कोड आया है, उसने कहा है कंफर्म कि आप ही हो ये। तो बिल्कुल मैंने रिसेंड करता हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, यहाँ से रिसेंड करता हूँ। तो बिल्कुल मैंने यस कर दिया, वहाँ से मैंने कंफर्म कर दिया, यहाँ से उसको वो आगे प्रोसीड कर देगा। तो आप लोग देख रहे हो मेरा व्यू मेल अब एक्टिव होने जा रहा है, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह सा लिंक आएगा, इस तरह का लिंक आएगा आपका इस मेल के ऊपर। यहाँ से दिखाता हूँ, पासवर्ड रिसेट लिखा होगा कि यहाँ पे मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। तो ये सर्च कर देगा, देखो ये पासवर्ड रिसेट लिखा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, रिसेट हो जाएगा आपका पासवर्ड, एक नया इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपना नया पासवर्ड दे सकते हो और व्यू मेल को आप लोग एक्टिव कर सकते हो। अब डिस्कशन यहाँ पे आती है, व्यू मेल एक्टिव क्यों कर रहे हैं हम लोग। आई होप आपने स्काइप आईडी बना लिया होगा, नंबर डाल के ही स्काइप आईडी बन जाता है। तो स्काइप आईडी नहीं बनाना आता तो वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे बनाना है स्काइप आईडी। तो गूगल पे ही लिख लेते हैं हम लोग स्काइप। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में, स्काइप आईडी क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट की जो क्लासेस हैं वो स्काइप पे होती हैं, सुपरवाइजर आपके ग्रुप स्काइप पे बनाते हैं। स्काइप आईडी सिंपल है, मोबाइल पे बना लो नंबर डाल के मेल डाल के, यहाँ से आप लोग स्काइप आईडी बना सकते हो ज्वाइनर से, ठीक है। तो आई होप सिंपल सा प्रोसेस है। व्यू मेल पे आपके सुपरवाइजर की स्काइप का लिंक आएगा जिसके थ्रू आप सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट हो में आ जाओगे। अब यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि व्यू मेल तो हम लोगों ने लॉग इन कर लिया, ठीक है। तो जो नया पासवर्ड होगा आप लोग व्यू मेल पे कैसे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ से मेल ओपन करके यहाँ से व्यू मेल पे पासवर्ड लगाओगे नया। तो लेट्स सपोज आपको कोई पासवर्ड आपने जो रीसेट किया वो यहाँ लगा लोगे तो वो लॉग इन हो जाएगी। अब सॉल्यूशन बताता हूँ कि लास्ट में बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग सुपरवाइजर को मेल करें। इनविटेशन सबसे पहले बताऊँगा कैसे भेजने हैं, ठीक है। तो इनविटेशन भेजने का सिंपल सा तरीका है, तो मैं एक आईडी यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट का। तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, वहाँ पे इनविटेशंस हैं तो वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का आईडी ओपन करूँगा, देखूँगा और उनको इनविटेशंस आए हैं स्टूडेंट्स के और कैसे इनविटेशन आगे भेजेंगे उस आईडी के थ्रू। और फिर दूसरा प्रोसेस तो कि हम लोग कैसे सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट करें कि हमारे सेम ग्रुप्स बने, ठीक है, ये सारा डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं एक आईडी लगाता हूँ, ठीक है। तो जी, तो मैंने एक आईडी ओपन किया, अब देखता हूँ कि इस स्टूडेंट को इनविटेशन किसका आया, प्रोजेक्ट का, किसके साथ ग्रुप बने और किसको इसने भेजा हुआ है, ठीक है। तो इसका आरआईडी आप लोग देखो, ग्रुप बन चुका है, तो यहाँ पे आरआईडी इसका ग्रुप बन चुका है। तो ये प्रोजेक्ट की डाउनलोड फाइल है, तो इनका इस स्टूडेंट के साथ आरआईडी ग्रुप बन चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को इनविटेशंस भेज दिया है, तो यहाँ पे इनवाइट का लिंक होता है, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह इनविटेशन भेजना है, किसको भेजना है, और भी वीडियोस हैं नेट के ऊपर। तो आई होप उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ी सी वीडियो लेट बनाई है मैंने, तो आई होप सब स्टूडेंट्स ने ही ग्रुपिंग कर ली है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कल से उन्होंने कहा है कि सुपरवाइजर जो है वो ग्रुप बना देगा मंडे से, ठीक है। अब सुपरवाइजर को हम किस तरह से कहेंगे हमारे कुछ दोस्तों को हमारे साथ रखा जाए, तो उसका भी सलूशन है। देखिए, ये हमारे ग्रुप की सुपरवाइजर है, मैंने इस तरह से मेल किया उनको, ठीक है, कि ये आई होप आप ठीक होंगी। तो हम सब स्टूडेंट स्टार्टिंग से वर्क इकट्ठे कर रहे हैं,
सो काइंडली आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि हम सबके ग्रुप सिंपल एक ही बनाया जाए, हम सबका ग्रुप, हम सब 7 स्टूडेंट्स का, 6 स्टूडेंट्स का। तो ये मैसेज आप लोग कर सकते हो उन्हें नीचे आईडीज लिख के। इस तरह से सुपरवाइज़र को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के ग्रुप इकट्ठे बनाए जाएं। तो ये तरीका है जनाब, सुपरवाइज़र को मेल कैसे करनी है आप लोगों ने। और अब साथ साथ ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं। देखिए, ग्रुप सुपरवाइज़र पे ही डिपेंड करता है। तो इनविटेशंस तो भेज दिए, इनविटेशंस में अच्छा दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, अकेला बन रहा है, ठीक है। इसको ही मोस्टली सुपरवाइज़र प्योरिटी में रखते हैं, इस तरह से ही ग्रुप बनाते हैं जिस तरह से आप मेल करते हो। और उसके बाद सुपरवाइज़र पे भी डिपेंड करता है वो किस तरह से ग्रुप बनाता है। तो ये कल आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा है कि व्यू मेल को कैसे रीसेट करना है, हम लोगों ने ये भी सीखा है, साथ साथ इन्विटेशंस वगैरह कैसे भेजने, रिसीव करने हैं। ये ग्रुप का हमारे आईडी है और ये ग्रुप है हमारा, ठीक है। ये फाइल असाइनमेंट की, असाइनमेंट किस तरह से बनानी है, ठीक है, वो बता चुका हूँ, सॉरी। सो साथ ही हमने सीखा है कि व्यू मेल का पासवर्ड कैसे रिसेट करना है, और स्काइप वगैरह हमने क्यों बनानी है, और व्यू मेल पे हमारे सुपरवाइजर का स्काइप का लिंक आएगा जिसके थ्रू हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लासेस, अच्छा क्लासेस 2-3 भी होती हैं एक वीक के अंदर, वो सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है। क्लासेस कुछ बड़ी भी होती हैं, देखिए अटेंडेंस के नंबर हैं क्लासेस में, तो कोशिश कीजिएगा क्लासेस आप टाइम से लीजिएगा। और इस मंडे के बाद सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट में रहिएगा, ठीक है, मेल के थ्रू, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में या क्यूरीज हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा। तो बाकी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बताता रहूँगा, असाइनमेंट्स कैसे बनानी है। कोई असाइनमेंट नहीं बनानी आ रही है तो आप सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों को बता दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, एफर्ट पसंद है, चैनल को प्लीज़ बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।